अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार? सबका ठीक? उम्मीद है सब खैरियत से होगे। वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में। ये इंट्रो मैंने देना था उसी दिन जिस दिन मैं व्लॉग बना रहा था, लेकिन मैं अभी एडिट कर रहा था तो मैंने देखा है कि यार इसका इंट्रो किधर गया। पहले मैंने समझा डिलीट हो गया, फिर याद आया कि यार मैंने बनाया ही नहीं है। अभी छत पे आया हूँ, बारिश हुई है बहुत ही ज़बरदस्त, इंट्रो बनाने के लिए आ गया हूँ। व्लॉग का इंट्रो ही था, मैंने यही सोचा था कि यार चलो बाद में बनाएंगे, अभी चलता हूँ, फादर साहब की कॉलें आ रही हैं तो बाहर आओ, कि यार काम बहुत ज़्यादा है और बारिश का मौसम बना हुआ है। तो उस टाइम मैं बाहर चला गया था, फिर मुझे याद नहीं रहा इंट्रो बनाना। अभी मैं इंट्रो बनाने के लिए छत पे आया हूँ, उसके बाद ही गानी आप देखें। आज हमारे गांव में फिर सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त यार सीन है। चेक करें यार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो व्लॉग की गानी शुरू करते हैं। आए हूँ यार खुए पे, क्यों इंस्पेक्टर साहब प्याज निकाल रहे हैं, आज तकरीबन तैयार हो चुके हैं, वो उठा के रहना है घर रेडी में, ये काम करके फिर हम चलते हैं गांव की तरफ। यार भी मैं रेडी ले आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर साहब की मेहनत रंग ला गई है, काफ़ी अच्छे प्याज हैं। ये रह गए और ये हमने निकाल लिए, अभी मैं लेके जाता हूँ, पहले इस क्यारी वाले लेके जाता हूँ, फिर इस क्यारी वाले लेके जाऊँगा। इंस्पेक्टर साहब का ऑर्डर आया जी, इनको यहीं पर इस तरह रख के यूँ यूँ को दिखता हूँ, अभी मेरा एक हाथ फ्री नहीं है, यूँ जी कदर गया कदर इस तरह करके रेड़ी के अंदर इस तरह सारे हमने काटने हैं, क्योंकि कहते हैं घर में गंद बनेगा तो इधर ही काट के ये इसका जो ऊपर है वाला हिस्सा ये इधर ही फेंक जाओ। तो अभी ये काटते हैं, एक घंटे के अंदर अंदर हमने करना है। अभी यार एक रेड़ी हमने भर लिया, इंस्पेक्टर साहब की काफ़ी मेहनत थी यार, बहुत ही ज़बरदस्त फल निकला है, और एक रेड़ी भर ली है। अभी मौसम भी देखें कितना ज़बरदस्त हो गया, हम आते गए हैं जी मौसम भी अच्छा हो गया, तो धूप शूप ख़त्म हो गई है, तो ये इंस्पेक्टर साहब थक चुके हैं, तो कहते हैं यार ये संभाल लो फिर बाकी बाद में निकालेंगे। और मिर्ची भी लगी हुई है जो हमने लगाई थी, एक दफ़ा आपको याद हो एक व्लॉग में आपको दिखाया था, उसमें मिर्ची हमने लगाई थी, वो मिर्ची लगी हुई हैं। ये टमाटर भी लगी हुई हैं, टमाटर चेक करें, फल लग चुके हैं इनके साथ भी। अभी इन क्यारियों में हम पिंडियाँ लगा देंगे, ये सफाई करके ना इधर ही हम पिंडियाँ लगा देंगे, क्योंकि जगह नरम है, थोड़ी सी जगह खुद हम ठीक करेंगे। अभी इनको लेके जाते हैं घर और वापसी पे आके फिर इनको लेके जाते हैं। मोहसिन कॉल आई है कि यार जल्दी आ जाओ पिट सुल्तानी अड्डे पे, हमने जिस बंदे को बुलाया हुआ था वो आ गया, तो वो लेट ना होना। तो चलते हैं अभी, बाइक निकालते हैं और मोहसिन के घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, लगे 9:15 का टाइम दिया था उसने, तो 9:20 हो गया। ये पिंजरा उठा लिया क्योंकि हमने वापसी भी लानी है तोतियाँ मोहसिन से, तो अभी बहुत जल्दी में हूँ, तो वापसी भी स्टोरी बताता हूँ क्या है। अभी पिट सुल्तानी आ चुके हैं, मोहसिन गया अपने दोस्त के साथ और साथ में वो कापियाँ करानी है उसने, एक साथ ही शॉप पर उधर गए हैं, चाहे मोहसिन साहब वैसे ही छोड़ गए, तो क्योंकि जो दोस्त था उसने इस्लामाबाद जाना था थोड़ा जल्दी, तो इस वजह से मैंने कहा वो काम पहले करा लो, चाहे फिर भी इधर। तो मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है और घर में बहुत ज़्यादा काम है, मैंने मोहसिन को बोला जल्दी करो, तो बस आता है फिर चलते हैं घर की तरफ। यार पिछले मुसलसल एक घंटे से लगातार बारिश हो रही है, हमने 2-3 दफ़ा ये देखे प्रोग्राम बनाया घर चलते हैं, लेकिन बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा। तो मोहसिन साहब कितने सनी मस्ती सारी मीटअप बंदा क्या मोहसिन से रखना चेक करेगी बारिश यार बहुत है, बारिश है बहुत है। तो अभी चलते हैं, चाय शाय पी चुके हैं, माशाल्लाह यार जीप चेक करें, तो अभी रुकी हल्की सी लेकिन फिर शुरू हो गई है, उम्मीद नहीं है ये रुकेगी, अब आराम से घंटा तो लगेगा। बारिश हल्की हुई है और चलते हैं घर की तरफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हल्की हो गई है,
अभी निकलते हैं घर की तरफ यार। अभी आए हैं, बहुत तेज़ बारिश थी, बारिश में आए हैं अभी, कपड़े वगैरह सारे गीले हो चुके थे। बारिश रुकती है फिर कार जाते हैं, तो टाइम हो गया जी 2 का और सुबह से फंसी हुई है बारिश में। अभी भी मैं घर पहुंचा हूँ, टाइम हो गया 4 का, शाम के 4 हो गए। लेकिन यार ये चकोर अंदर बैठा हुआ है, चकोर दोबारा से, ये चकोर भी नरम है। अभी इस चकोर को उस पिंजरे में डालते हैं, चकोर को इस पिंजरे में डालेंगे, उसका सही इलाज करेंगे, क्योंकि उधर यार आगे 2 मर चुके हैं, तो ये ना वो तीसरा भी ज़ाया हो जाए। तो अभी उसको पकड़ के इस पिंजरे के अंदर डालते हैं। आज हम मैच खेल के, तो अभी हम मैच खेल के जा रहे हैं एजेंसी पे। आज तो बारिश थी, मैंने कहा गेम नहीं होगी, लेकिन अचानक ही मैं आया हूँ तो बारिश होने लग पड़ी है, तो लिहाजा अभी हम, ठीक भाई क्या हाल है। तो अभी हम मैच खेल के जा रहे हैं जी एजेंसी पे पेट्रोल लेने। यार अभी नमाज़ पढ़ी है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं घर। आज पैदल है, हमारे पास बाइक भी नहीं है, तो मोहसिन लोगों ने आज गिफ्ट नहीं लाया, तो कह रहे थे कल लाएंगे। अब कल का इंतज़ार है, कल देखते हैं क्या लाते हैं जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको फिर सुबह। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम घर आ चुके थे, अभी इशा की नमाज़ पढ़ी है। और चकोर यार काफ़ी नरम था, कुछ बेहतर है अभी। तो सारे कहते हैं यार बाजरा बंद कर दो, क्योंकि गर्मी है, बाजरा बंद कर दो और इसको गंदम डालो, काफ़ी गर्मी है, तो ये गर्मी की वजह से ऐसे हो चुका है इसको। तो अभी किधर गया जी, किधर गया, किधर गया, किधर गया, इसका टीका किधर गया? हाँ ये पड़ा है, इस टीके के अंदर ये पैनाडॉल है, पैनाडॉल का सिरप है, ये देते हैं इसको, और एक थोड़े से गंदम खिला देते हैं ताकि खाली पेट ना रहे। तो अभी इसका चेकअप शुरू करते हैं, अल्लाह करे बच जाए, क्योंकि हमने बेचना है। एक जो ओएलएक्स पे 2 बंदे आ चुके हैं इसको लेने के लिए, तो मैं कहता हूँ जब दें अगले को चीज़ तो ठीक करके दें, ये ना हो उसके पास जाए और दूसरे दिन मर जाए। The next day. सुबह सुबह उठा और चेक किया चकोर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। सुबह सुबह ये बोला भी बहुत ज़्यादा है, और उसने दाने भी खाए हैं और पानी वगैरह पी है, जो जो हमने दवाई दी है, चीज़ें दी हैं, उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है। अभी बोल भी रहा था एक आध दिन इसको इस पिंजरे में और रखेंगे, फिर इसको अपने पिंजरे में उधर ले जाएंगे जहाँ से ये लाए हैं। तो पहले तो उम्मीद ये है कि कोई बंदा आके ले जाए इंशाल्लाह, ये तो फिर उधर रखेंगे, जब तक है हमारे पास उधर रखेंगे। इधर तंग पड़ रहा है, कभी एक जगह पर टिक ही नहीं रहा, तो मैंने कहा ये ना अपने आप को ये टकरे मार मार के मार दें। अभी चलते हैं पहले बाहर, बाहर का जो काम था कल बाकी रह गया था, प्याज वगैरह वो भी लेके आते हैं, क्योंकि बारिश में पड़े रहे हैं, और अभी वो लेके आते हैं फिर इसका कुछ हल करते हैं। और यार ये हमें कल ना काम करने की वजह से सजा मिली है, जो हम छोड़ के सुल्तानी चले गए थे, इतनी तेज़ बारिश थी, घर वाले कहते हैं ले के आने, हालत चेक करें, चप्पल चेक करें जी। ये सारे मोहसिन साहब की करामात हैं जो हमें कल साथ ले गए थे। तो अभी हमने बारिश में लाई है, जब जब ले आया हूँ तो बारिश रुक चुकी है। ये जब मैं कल काम कर रहा था, मोहसिन साहब की कॉल आई है कि पिंड सुल्तानी जाना है और ये बहुत ज़रूरी काम है, और हम ये छोड़ के चले गए थे, और आज ये बारिश में ले के आया हूँ। तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ये लाना ज़रूरी हो चुके थे, क्योंकि उधर बारिश थी और मिट्टी में सारे ये ख़राब हो जाते। तो अभी इसको पंखा लगाएंगे और खुश करेंगे इनको। तो अभी चलते हैं पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस मेरा बहुत ज़रूरी काम है, एहसन भाई कुछ चीज़ें भिजवानी है और एक मोबाइल ही पता करना है फिर से एहसन भाई के लिए। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।